हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाया है झारखंड बिहार का बहुत फेमस स्नैक जिसे ठेकुआ बोलते हैं, पर बच्चों को पता नहीं क्यों ये नाम पसंद नहीं आता, तो वो लोग इसे कुकीज़ बुलाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। मैंने इसके लिए एक बोल आटे का लिया है और एक बोल मैदे का लिया है। अगर आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो या फिर मैदे का भी बस बना सकते हो। मैंने हाफ हाफ मिक्स किया है। और एक छोटी कटोरी से सूजी लेंगे यानी रवा लेंगे, फिर एक बर्तन में सूजी को डालेंगे और उसमें जितनी अपनी सूजी डाली है उतनी सेम क्वांटिटी में पानी भी डालेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब सूजी में पानी डाल दिया मैंने, उसके बाद चीनी भी डाल देंगे ताकि चीनी भी उसमें घुल जाए। तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी डाली है इसमें। छोटी कटोरी से सूजी डाल चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्नैक्स आप बना के स्टोर करके रख सकते हो, बहुत दिनों तक चलता है, ख़राब नहीं होता है और पेट भी भर जाता है, बहुत हेल्दी है स्नैक्स। और 1.5 कटोरी मैंने चीनी डाल दी और अच्छे से मिक्स करके इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और चीनी भी उसमें घुल जाए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं अच्छे से घुल गया है, चीनी ने भी अपना थोड़ा पानी छोड़ा है। तो फिर अब हम डालेंगे इसमें मैदा और उसके बाद डाल देंगे गेहूं का आटा। अगर आप चाहो तो बस गेहूं के आटे से भी बना सकते हो और या फिर बस मैदे से भी बना सकते हो। मैंने दोनों को हाफ हाफ मिक्स करके बनाया है। साथ में मैं डाल रही हूँ सौंफ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप अगर चाहो तो इसमें सूखा नारियल भी डाल सकते हो। और मोयन के लिए मैंने ऑयल डाला है, सूखा नारियल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। और फिर इसका एक डो तैयार करेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने ही पानी में हो जाता है। अगर आप फिर इसे एक टाइट आटा तैयार कर लेंगे तो आप देख सकते हो आटा रेडी हो चुका है मेरा। अब इसे की छोटी छोटी गोली लेंगे। ये स्नैक्स झारखंड और बिहार का बहुत फेमस स्नैक्स है, आपको ये हर घर में मिल जाएगा। फिर इसे थोड़ा हाथ से दबाते हुए फ्लैट करेंगे और एक फोटो इसके डिज़ाइन बना देंगे। अगर आप चाहो तो इसे ठेकुआ बनाने के लिए एक लकड़ी का सांचा भी आता है, आप उससे भी बना सकते हो। मैंने फोक की हेल्प से बनाया है तो अच्छे से अंदर तक ये पक जाएगा। और मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, अब इसे डीप फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल चढ़ा दिया है मैंने गरम होने के लिए। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा लो फ्लेम पे, ध्यान रहे हाई फ्लेम में नहीं करना है, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। धीमी आंच में करेंगे तो अंदर भी अच्छे से पकेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर रेड हो जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा और फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है, फ्राई भी हो गया है। इतना ही कलर का रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे नहीं तो जला हुआ टेस्ट आएगा। बस इतना होने के बाद आप इसे बाहर निकाल दें और रेडी हो चुका है। और ध्यान रहे जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको डब्बे में डालें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा अच्छे से तब आप इसे स्टोर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।